नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। 10वीं 12वीं का रिजल्ट का एक निश्चित तिथि आ गया है, तो इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिए और बने रहिए। इस वीडियो में जो है लास्ट डेट कब है एग्ज़ाम का रिजल्ट आने का, तो हमारे इस वीडियो को जो है पूरे लास्ट तक देखते रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों में जो है शेयर कीजिए। जैसा कि हम लोग हेडिंग को पढ़ पा रहे हैं, 10वीं में 80 अंक पाने वाले वालों की जो है रिवेल्यूब का मौका इस वर्ष जो है दिया जाएगा। और कहा जा रहा है कि बोर्ड का 90% जो कॉपियां जो है चेक हो चुका है, और इस बार जो है 80% अंक पाने वालों को भी रिवेल का जो है मौका जो है दिया जाएगा। तो इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिए। तो हम बात कर रहे हैं नतीजों के बारे में। तो नतीजों जो है 10 अप्रैल यानी कि 10 मई तक जो है आपका जो है रिजल्ट आने का फुल चांस है। 10 मई का पहले जो है आप लोगों का जो है रिजल्ट निश्चित आ जाएगा। इसमें बोर्ड द्वारा कहा जा रहा है कि 10वीं 12वीं परीक्षा की कॉपियां का मूल्यांकन जो है चल रहा है। अफसरों का कहना है कि 90% कॉपियां जो है चेक हो चुका है, केवल 10% ही कॉपियाँ जो है बचा है। शेष कॉपियाँ जो है 25 तक जो है यानी कि 25 अप्रैल तक संभवित तिथि में जो है चेक हो जाएंगे। इसके बाद जो है रिजल्ट तैयार करेंगे, जिसमें करीब 15 से 20 दिन का वक्त लगता है। यह प्रयास किया जा रहा है कि नतीजे जो है आपको 10 मई के पहले आपको मिल जाए। यह संभवित तिथि है और 10 मई के पहले नतीजे जारी हो सकते हैं। इस बार एक साथ नहीं बल्कि जो है इस बार जो है आप लोगों का रिजल्ट एक साथ घोषित नहीं करेंगे, क्योंकि अलग अलग करेंगे, क्योंकि चुनावी वर्ष होने के कारण चेक होने में थोड़ा टाइम भी लगता है। इसी वजह से पहले 12वीं का रिजल्ट आएगा, क्योंकि 12वीं वालों को आगे एडमिशन लेना होता है, इसीलिए उन लोगों का जो है पहले रिजल्ट आएगा। उसके बाद 10वीं का रिजल्ट आएगा, क्योंकि उसी स्कूल में जो है एडमिशन लेना होता है। इसीलिए जी हाँ दोस्तों, यही वीडियो था आज का। तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो से को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।